आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चांदनी परिसर क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। दीपावली से पहले लाइट काटी गई थी। स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से सड़कों पर अंधेरा रहता है, जिसके चलते सड़क पर चलने में डर लगता है। ये छावनी परिसर क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट जो रात में बंद रहती है। दीपावली से पहले टोरेंट पावर ने छावनी परिषद की लाइट काट दी थी। छावनी परिषद की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके चलते छावनी परिषद भुगतान नहीं कर पाया और टोरेंट पावर ने लाइट काट दी। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता को रात में निकलने में डर लगता है। तमाम ऐसी छावनी परिषद में सड़कें हैं जो सुनसान रहती हैं, जहाँ पर सन्नाटा रहता है, ना बाजार है ना आबादी वाला क्षेत्र। ऐसी सड़कों पर निकलने में डर लगता है, क्योंकि अंधेरा बना रहता है। लोग चाहते हैं, विभागीय मामला है, लेकिन इस व्यवस्था को शुरू किया जाना चाहिए, जनता का हित देखना चाहिए। स्ट्रीट लाइट दिवाली से पहले से बंद है और ये कैंटोनमेंट बोर्ड और टोरेंट की बकाया के चक्कर में शायद बंद है, लेकिन इससे जनता का कितना वो अहित हो रहा है कि त्यौहार पर बंद रही। इसके अलावा अब जो शादियों का सीजन है, रात दिन बरातें आती हैं जाती हैं, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, बरातें ठहरती हैं, उनमें इतना महिलाओं में भय व्याप्त है कि रात को चल नहीं पा रहे। छावनी परिषद की अपनी मजबूरी है, टोरन पावर की अपनी मजबूरी। इस मजबूरी के पहिए में जनता पिस रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा आए थे, सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की थी, इस मुद्दे को भी रखा गया था। उप मुख्यमंत्री का कहना था जिलाधिकारी इसका रास्ता निकालेंगे, जिससे जनता को परेशानी ना हो। और कुछ इश्यूज इनके जो कैंट क्षेत्र के बकाए राशि को लेके हैं, उसके लिए जिलाधिकारी के साथ बैठकर उसका निस्तारण ये सब करेंगे। अभी तक कोई रास्ता ऐसा नहीं निकला है जिससे रास्तों पर उजियारा हो सके। रास्ते अंधेरे में हैं, अंधेरे में जनता चलने को मजबूर है, डरी हुई है, महिलाएं खासतौर से डरी हुई हैं। इसी बात का इंतजार है कब रास्ता निकलेगा और रास्ते पर रोशनी होगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि छावनी परिषद का खजाना खाली है। छावनी परिषद की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते छावनी परिषद बिजली का बिल नहीं जमा कर पाया। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। टोरेंट पावर ने छावनी परिषद क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट काट दी है। सड़कों पर अंधेरा बना रहता है। टोरेंट पावर की अपनी मजबूरी है, छावनी परिषद की अपनी मजबूरी है, लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है। रात के समय लोगों को सड़कों पर निकलने पर डर लगता है, खास तौर से महिलाओं को। तमाम ऐसी सड़कें हैं जो सूनी रहती हैं, वहाँ पर लाइट नहीं होने के चलते खासी परेशानी होती है, डर बना रहता है कब उनके साथ कौन सी वारदात हो जाए, कुछ पता नहीं। लोगों में डर का माहौल है। यही वजह है कि छावनी परिषद की सड़कें रात के समय सुनसान रहती। देखना होगा कि टोरेंट पावर और छावनी परिषद साथ में जिला प्रशासन क्या रास्ता निकालता है। आगरा आए उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस बात को कहकर गए थे इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। अपने साथी इंद्रजीत सिंह के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।